Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging GET contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for GET till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack GATE deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate GATE challenge. Unacademy Combat. Register now. सो हेलो एवरीवन, जरा देख के बताइए, मैं ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। क्या सब लोग मेरे को देख पा रहे हो और क्या सब लोग मेरे को सुन पा रहे हो? क्या जल्दी से बताइए, मैं ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। क्या सब लोग मेरे को देख पा रहे हो और क्या सब लोग मेरे को सुन पा रहे हो? क्या यस और नो, दो में आंसर करना है। वैसे तो ये ऐसे ही होगा, बट स्टिल मेरे को बता दो जल्दी से, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन? आवाज़ आ रही है सब लोगों को प्रॉपर? ठीक है, बहुत बढ़िया। और सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? तो आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, क्योंकि ना जनरली मैंने ऐसा देखा है कि एक टफ क्वेश्चन कब क्रिएट होता है, जब भी आपसे पूछा जाता है गेट एग्जाम में टफ क्वेश्चन या एनवायरनमेंट में टफ क्वेश्चन आपको कब देखने को मिलेगा, तो आप लोगों का मेन मतलब मेरे को नहीं पता कि आप लोगों को समझ में आता है या नहीं आता है, बट मैं बताता हूं कि एक टफ क्वेश्चन किसको बोलता हूं, मेरे नजर में एक टफ क्वेश्चन क्या है। तो मेरे नजर में एक टफ क्वेश्चन वो है जिसमें मल्टी कंसेप्ट यूज हो। ठीक है, मल्टी कंसेप्ट यूज हो, मतलब किसी एक चीज से पहले कोई दूसरी चीज निकलवाई जाए और फिर उस दूसरी चीज को इस तीसरी चीज में इनपुट करके आंसर निकलवाया जाए, तभी वो क्वेश्चन टफ होता है। एल्स क्या है, फॉर्मूला पुट करा आंसर आ गया, ये कोई क्वेश्चन है? ये तो मतलब वो है कि आप लोगों को गिफ्ट दिया गया है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक टफ क्वेश्चन वही है जब आपको मल्टी कंसेप्ट्स को यूज किया जाए। और जो आज हम बात करने वाले हैं ऑक्सीजन डेफिसिट एंड रिवर की जो बात करेंगे, उसमें ऐसे ही मल्टी कंसेप्ट्स को यूज किया जाता है, और इसीलिए आप लोगों को जनरली जो लोगों को टफ क्वेश्चन लगता है वो इसी पोर्शन से टफ क्वेश्चन लगता है जब हम बात करते हैं सीवेज डिस्पोजल की बात करते हैं। तो आज जो मैं आपके साथ बात करने वाला हूं वो ऑक्सीजन डेफिसिट एंड रिवर की बात करने वाला हूं। ठीक है, ऑक्सीजन डेफिसिट एंड रिवर स्ट्रीम की बात करने वाला हूं।
तो चलते हैं देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को मजा आएगा पढ़ने में, और मेरे को पढ़ने में तो वैसे ही मजा आता है, पढ़ाने में वैसे ही मजा आता है। तो ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं मेरे बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ, हु एम आई एंड व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर, वेदर आई एम वर्दी इनफ टू टेल यू ऑल दिस थिंग और नॉट। तो चलिए आइए मेरे साथ बात करना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, पहले मेरे बारे में बताना स्टार्ट करता हूँ, हु एम आई एंड व्हाट आई एम डूइंग ओवर हियर। तो मैंने बोला यहाँ पे देखेंगे, माय नेम इज प्रतीक मिश्रा, अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता है तो, टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई हैव मेंटोर्ड मोर देन 50,000 स्टूडेंट, अभी तक 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट को मेंटोर कर चुका हूँ, दिस इज माय टीचिंग एक्सपीरियंस एंड दीज आर फ्यू ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर यहाँ पे देखेंगे ये जो प्रतीक 101 दिखता है, मैं हमेशा बोलते आया हूँ आपको कि दिस इज नॉट ओनली द कोड, दिस इज द बॉन्ड विच इज कनेक्टिंग यू एंड मी ओवर द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब ऐसे बात बहुत सारे लोगों का कंसेप्ट रहता है, बहुत सारे लोगों का कंसर्न है कि सर आप भी प्लस पे पढ़ाते हो क्या? बिल्कुल पढ़ाते हैं, और बहुत ही गजब तरीके से मैंने कुछ कुछ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं प्लस पे आपके लिए। तो प्लस पे अगर आप लोग प्लस कोर्स या मैं बोल सकता हूँ गाइडेड स्टडी प्लान लेना चाहते हैं, तो आप जब भी कोर्स में रजिस्टर करेंगे तो यू विल गेट 10% ऑफ आफ्टर यूजिंग दिस कोड प्रतीक 101। बट मैं हमेशा से बोलते आया हूँ बी वेरी स्पेसिफिक कि आप किसका कोड यूज करने वाले हैं, बिकॉज दिस इज द थिंग विच विल टेल यू कि हाँ आप किसके गाइडेंस में रहने वाले हैं थ्रू आउट द जर्नी। ठीक है, तो मैंने बोला इट इज, मैंने बोला ये जो पैसा लग रहा है ना आपका, ये 10% का गेम ही नहीं है, पूरा गेम है मेंटोरशिप का, कि आप किसकी गाइडेंस में जाने वाले। सो यूज इट वेरी सिलेक्टिवली कि हाँ दिस इज द पर्सन हु विल गाइड मी, आपको लगता है यस तो आप उनके लिए जाइए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे दो टाइप के पेड इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिलेंगे, वन इज योर प्लस कोर्स एंड वन इज योर आइकॉनिक कोर्स। तो प्लस में क्या है, तो मैंने बोला प्लस में जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको क्रैश कोर्स ले रहे होंगे, आपके लाइव क्लासेस ले रहे होंगे, डाउट सॉल्विंग सेशंस ले रहे होंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में ले रहे होंगे। ठीक है, तो ये हुई बात प्लस कोर्स के बारे में। नाउ व्हाट इज अबाउट द आइकॉनिक कोर्स, तो मैंने बोला आपको पता है कि आइकॉनिक कोर्स हैव सम एक्स्ट्रा फीचर्स, दैट्स व्हाई। तो देखो जरा क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है ओवर प्लस कोर्स, तो जो जो चीजें आपको प्लस में मिली है वो तो मिलेगी, साथ में आपको मिलेगा यहाँ पे पर्सनल कोच, आपको स्टडी प्लानर सेशन मिलेगा, आपको स्टडी बूस्टर सेशन मिलेगा, और साथ में मिलेगा आपको पर्सनलाइज टेस्ट एनालिसिस। ठीक है, मैंने ये तो बात हुई, साथ में आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर मिलेगा, हु विल गाइड यू, हु विल सॉल्व योर डाउट्स। ठीक है, तो ये हुई बात किसके बारे में, प्लस कोर्स और आइकॉनिक कोर्स के बारे में। इफ यू एवर विलिंग फॉर प्लस या आइकॉनिक, तो व्हाट यू जस्ट नीड टू डू, यू जस्ट नीड टू यूज दिस कोड प्रतीक 101। ठीक है भाई, ये भी बात समझ में आ गई। मैंने यहाँ पे आपको फी स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है 12 मंथ, 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स। तो चूज इट वेरी वाइजली कि आप कौन से ईयर के लिए टारगेट कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से आइकॉनिक कोर्स के लिए, तो दीज आर दी फी स्ट्रक्चर फॉर दी आइकॉनिक, यू कैन ऑल्सो ऑप्टेट इन EMI ऑप्शंस। आपको पता है कि बेनिफिट्स आइकॉनिक के ज्यादा है, तो ऑब्वियसली प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है, बट चूज एज पर योर कन्वीनियंस कि आप किस चीज के लिए किस कोर्स को आप अफोर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे आपको बहुत जल्दी प्राइस हाइक देखने वाला है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बीइंग एन इंजीनियर वी शुड ऑलवेज बी वेरी स्मार्ट, हमको पता होना चाहिए प्रॉफिट लॉस सारी चीजें। तो आपको पता है कि अगर प्राइस हाइक होने वाला है तो चूज लाइक ऑप्टेड बिफोर गेटिंग प्राइस हाइक। ठीक है, अगर आप कोई भी 6 मंथ्स का प्लान लेते हैं अभी, तो यू विल गेट 3 मंथ एक्स्ट्रा ओवर दिस। तो ये है आप लोगों के लिए एक प्लान। दूसरा अगर मैं आपके बात करूं, तो देखिए यहाँ पे एक और अच्छा फीचर आप लोगों के लिए, आस्क अ डाउट, आस्क अ डाउट इन विच यू कैन आस्क अनलिमिटेड डाउट्स ऑन एन अकेडमी प्लेटफॉर्म। यू कैन आस्क डाउट एनी टाइम, यू विल गेट दी वीडियो सॉल्यूशंस फॉर दैट पर्टिकुलर डाउट, एंड यू विल गेट दी होमवर्क असिस्टेंस ऑल्सो। ठीक है, ये हुई बात। मैं नेक्स्ट अगर बात करता हूँ, तो ये देखिए ये जो बैच है, ये है आरोहन बैच, और ये कब के लिए है, मैंने बोला गेट 23 के लिए ये स्टार्ट हुआ है। कब से स्टार्ट होगा, मैंने बोला 6th of October से स्टार्ट होगा। तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो लोग भी 23 के लिए टारगेट कर रहे हैं, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, और अगर आपने 22 के लिए एफोर्ड डाल के देख लिया और फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं अभी हम उस रैंक वाले पोजीशन में नहीं आए हैं, तो एक साल और बर्बाद मत करना कि ना अब हम फिर से सर सेल्फ स्टडी करेंगे, क्योंकि अगर आपको पता होना चाहिए आपके आपके पॉजिटिव्स क्या है, आपके ऑड्स क्या है, आपके इवेंट्स क्या है, तो आपको ये बात पता होना चाहिए कि किस चीज में आप स्ट्रांग हो, किस चीज में वीक हो। ठीक है, तो इसके लिए ये बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए यू गेट 10 इयर्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जाएंगे स्पेशल पे। तो उसके बाद ठीक है, तो सब लोग रेडी है क्या, जरा एक बार मेरे को बताइए, तो फिर हम अपनी बातों को शुरू करते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग गाइस। तो यूट्यूब पर आपका फुल एनवायरमेंट का प्लेलिस्ट है क्या? यस, जो लोग परेशान हो रहे थे कि लेक्चर नंबर 1 प्राइवेट हो गया था, आज पब्लिक हो गया है, तो जाके चेक कर लेना। ठीक है, जो लोग भी परेशान हो रहे थे कि सर लेक्चर नंबर 1 नहीं मिल रहा है, वो प्राइवेट हो गया है, तो अब वो पब्लिक हो गया है, तो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, ठीक, यूट्यूब पे यस फुल कोर्स कराऊंगा मैं, यूट्यूब पे आपका।
ठीक है, कुछ स्पेशल कंसेप्ट रहते हैं जिसको मैं केवल और केवल स्पेशल पे कराता हूं, ठीक है। तो आई होप सब लोग समझदार, सब लोग रेडी होंगे, जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताएंगे तो फिर हम अपनी बातों को शुरू करेंगे। और बहुत ही गजब बात करने वाले आज हम, ठीक है, बहुत ही गजब बात करने वाले। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे साथ बीओडी पढ़ा होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका बीओडी पढ़ के रूह बाहर निकल गई होगी, अब उनको एनवायरमेंट टफ लगने लग गया होगा और वो छोड़ दिए होंगे पढ़ाई करना। कोई बात नहीं, उन लोगों के लिए तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं किन लोगों के लिए जो अपना एफर्ट्स कंटिन्यूअसली अपना एफर्ट्स दे रहे हैं और उन लोगों को वो डिजर्व करते हैं कुछ टफ बात जानना, ताकि वो उन लोगों से कंपीट कर पाए जो पेड कोर्स से आ रहे हैं, ठीक है। तो कंपीट करने के लिए तैयार है हम लोग। तो ये लीजिए पहली मेरी बात, देखो वो पेड़ हिल रहा है ना, ठीक है, ठीक। तो चलिए आइए, मैं जो आपसे बात करने वाला हूं, वो आज मैं बात करने वाला हूं ऑक्सीजन डिफिसिट इन रिवर्स की बात करने वाला हूं, ठीक है। तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे, आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑक्सीजन डिफिसिट इन रिवर स्ट्रीम की बात करने वाला हूं, ठीक है सर। ये बात तो हुई ऑक्सीजन डिफिसिट इन रिवर स्ट्रीम की बात करने वाला। Now, what is this oxygen deficit in river stream? इसको हम लोग कैसे देखते हैं? तो deficit is important. The word deficit, what exactly deficit means? तो deficit का मतलब होता है कमी, ठीक है? Deficit का मतलब होता है कमी। तो oxygen की कमी जो river stream में दिख रही है, उसको हम लोग यहाँ पे plot करना चाहते हैं, ठीक है? उसको हम लोग यहाँ पे plot करना चाहते हैं। तो I hope जब आप लोगों को plot, क्या बोल रहे हो सर, फोटो एंड साइन रेक्टिफिकेशन ठीक हुआ है या नहीं, कैसे पता चलेगा? वहां से एक मेल आएगा कि तुम लोगों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, ठीक है, तो पता चलेगा। एल्स उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब आप फॉर्म फिल करते हो, तो वो अगर आपने उसके करेक्ट उसमें नहीं दिया है, मतलब जो उनके करेक्ट स्पेसिफिकेशन है, तो उस टाइम वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो अगर सब कुछ एक्सेप्ट हो गया, मतलब सब कुछ सही है, वहां से मेल आ जाएगा आपको फिर कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। अभी ट्रीटमेंट बाकी है, ट्रीटमेंट ही तो चल रहा है। कल वाला बैकग्राउंड यूज करूं, ज्यादा प्यारा लग रहा था। बस अभी ना मेरे को वो चाहिए, क्या बोलते हैं, स्ट्रेट लाइंस चाहिए, इसलिए मैं इस बैकग्राउंड को ले रहा हूं, उसी पे बात करेंगे। बस मेरे को स्ट्रेट लाइंस चाहिए, इसलिए मैं इसको लेके रखा हूं, ठीक है, ठीक। यू आर ऑसम, यू आर ऑल्सो ऑसम, यू, ठीक है। चलो आओ तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी बातों को। चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं अपनी बातों को। तो मैंने बोला ऑक्सीजन डिफिसिट इन रिवर स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। तो मैंने बोला ऑक्सीजन डिफिसिट इन रिवर स्ट्रीम का क्या मतलब है और कैसे देखते हैं। तो मैंने बोला डेफिसिट का मतलब हमको यह समझ में आता है कि हम बोल रहे हैं डेफिसिट मींस कमी। कल छूट गया था, कल वाला कंसेप्ट ही बिल्कुल अलग है। आज नए दौर से शुरू कर रहे हैं, तो नई बातों को शुरू कर रहे हैं, तो आप पढ़ सकते हो अभी, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं ऑक्सीजन डेफिसिट एंड रिवर स्ट्रीम। तो आपने देखा कि जब भी हम रिवर पे मूव कर रहे थे, तो आपने देखा था कि रिवर, जस्ट बिकॉज फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के डिकम्पोजिशन के लिए आपका ऑक्सीजन का वैल्यू धीरे 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 रिवर स्ट्रीम में कम होते जा रहा था, धीरे धीरे रिवर स्ट्रीम में कम होते जा रहा था। तो एक दौर ऐसा आया जब आपको ऐसा लगा कि ऑक्सीजन, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन वैल्यू है, वो तो सर ऑलमोस्ट जीरो तक पहुंच गई थी, जब आप जोन थ्री की बात कर रहे थे जिसमें स्कम लेयर फॉर्म हो रही थी। हाँ सर सही बात है। तो सर ये जो आप उस टाइम बता रहे थे इतनी सारी बातें, तो सर मेरे को ये भी तो बताइए कि वो वापस मैक्सिमम कैसे पहुंच गई। तो मेरे को ये बताइए कि वो वापस मैक्सिमम कैसे पहुंच गई, या क्या हुआ ऐसा कि वो वापस पहुंच गई है। तो मैंने बोला चलिए आइए बातों को स्टार्ट करना शुरू, बातों को शुरू करते हैं हम लोग। तो मैंने बोला ध्यान से देखना, अब हम बताता हूं मैं आपको कि कैसे आपकी वापस वैल्यू सही जगह पर पहुंच गई है। तो मैंने बोला यहां से देखते जाइएगा इस ग्राफ को, यहां से देखते जाएगा, आई ट्राई माय बेस्ट कि आपको सारी चीजें बहुत ही परफेक्ट तरीके से समझ में आए। ये लीजिए, तो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे, तो यहां पे y एक्सिस और x एक्सिस आपको दिख रही है। इस y एक्सिस और x एक्सिस में अगर मैं आपसे बात करता हूं, तो यहां पे ये लीजिए, यहां पे ये जो y एक्सिस दिख रही है, इसमें हम लोग आपसे बात करने वाले हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन की। मैंने इस y एक्सिस में मैं आपसे बात करूंगा किसके बारे में, डिजॉल्व ऑक्सीजन के बारे में। और जब मैं x एक्सिस में आपसे बात करने वाला हूं, तो मैं आपसे यहां पे टाइम के बारे में बात करूंगा। मैं यहां पे आपसे किसके बारे में बात करूंगा, टाइम के बारे में बात करूंगा, ठीक है सर। मैंने बोला जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपको यहां पे देखने को मिलती है, जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपको यहां पे देखने को मिलती है, उस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को मैंने बोला, इस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को मैंने बोला, इसी को बोलते हैं आप डीओ सैचुरेटेड। मैंने इस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं आप डीओ सैचुरेटेड, ठीक है सर। यह भी बात हमारे समझ में आ गई, ठीक है, यह भी बात हमारे समझ में आ गई। क्या बोल रहे हो, मेरी फर्स्ट क्लास है विनय कुमार, क्या बोल रहे हो, गुड इवनिंग सर, मेरी फर्स्ट क्लास है, आपको आज लाइव देखकर मजा आ गया।
ठीक है, मजा आ गया। ठीक है, जिस जिसका फर्स्ट क्लास है ना वो थोड़ा सा डेप्थ में जाऊंगा, जहां पर भी कोई भी बात नहीं समझ में आती तो मैं बाकी लोगों का कमेंट नहीं पढ़ूंगा, आपका कमेंट जरूर पढ़ूंगा विनय। तो आपने क्या करना कि मेरे को बता देना उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, सर 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 ये वाला बात फिर से बताइए, ठीक है, तो आपके लिए आज के लिए छूट है। तो चलो वो बात करते हैं। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे मैक्सिमम जो रिवर में ऑक्सीजन हो सकती है वो कितनी हो सकती है, डीओ सैचुरेटेड के बराबर। सब जानते हैं सैचुरेटेड का मतलब मैक्सिमम वैल्यू होती है, ठीक है सर, ये भी बात हमारे समझ में आई। मैंने अगर आपको ये बात समझ में आती है तो देखिएगा जरा यहाँ पे, अब हम सिर्फ पहले अभी जो आपको बात आती है पता है उस बात की बात करता हूं। तो आप जैसे जैसे आप टाइम के साथ आगे जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप टाइम के साथ आगे जाते जाएंगे, आप देखते हैं अपना ऑक्सीजन का वैल्यू धीरे 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 रिवर में क्या होता जाएगा, कम होता हुआ दिखेगा। धीरे धीरे रिवर में आपको ऑक्सीजन का वैल्यू क्या दिखेगा, कम होता हुआ दिखेगा। और उस ग्राफ को जिसमें आपका वैल्यू कम होता हुआ दिखता है उसको बोलते हैं हम लोग डी ऑक्सीजनेशन कर्व, मतलब उस प्रोसेस को बोलते हैं डी ऑक्सीजनेशन। और इस कर्व में जो वो ये वैल्यू बताएगा जैसे डी ऑक्सीजनेशन हो रहा है उस कर्व को हम बोलेंगे डी ऑक्सीजनेशन कर्व, ठीक है सर, ये भी बात समझ में आया। ठीक है, ये भी बात हमारे समझ में आई। गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये बात तो हमारे समझ में आ गई, आज आ गए ना हमारे चीते बहुत सारे, कल पता नहीं था ना उन लोग को कि क्लास है, ठीक है, तो अब तो पता है ना, तो फिर चलो आओ बात करते हैं। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आपके रिवर में कितनी प्रेजेंट थी, सर डीओ सैचुरेटेड थी। मैंने ये वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही थी, हाँ सर धीरे धीरे कम तो हो रही थी। तो मैंने बोला ये धीरे धीरे जो कम हो रही थी इसको बोला था डी ऑक्सीजनेशन, और ये जो कर्व इसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस कर्व को बोला मैंने डी ऑक्सीजनेशन कर्व। और मैंने बोला इस कर्व को मैं क्या नाम दे रहा हूं, मैंने बोला इस कर्व का नाम है डी ऑक्सीजनेशन कर्व, डी ऑक्सीजनेशन कर्व, डी ऑक्सीजनेशन कर्व, ठीक है भाई साहब, ये भी बात हमारे समझ में आ गई, इसको हमने बोला डी ऑक्सीजनेशन कर्व। अब देखो क्या हो रहा है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सर इसका मतलब है ऑक्सीजन पहले सैचुरेटेड स्टेट में रहेगी, मैक्सिमम ऑक्सीजन जो भी रिवर में है वो धीरे 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 कम होते जाएगी, एक समय आएगा जब वो जीरो हो जाएगी और फिर वो रिवर हो जाएगी खराब। अब फिर उस रिवर के बारे में हमको कोई बात करने की जरूरत नहीं क्योंकि उस रिवर में ऑक्सीजन की वैल्यू जीरो हो गई है, पूरी एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, उस पानी को कभी हम यूज नहीं कर पाएंगे, वो रिवर रिवर नहीं रहेगी, नाला बन जाएगा, ऐसा करके आपके थॉट्स होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी जो रिवर होती है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती है, ठीक है, वो रिवर जो होती है आपकी वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती है, और जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होती है तो वो एटमॉस्फेयर से एयर को अपने अंदर रोटेट कराती है और उस प्रोसेस को बोलते हैं आप एरिएशन प्रोसेस, जिसमें आपकी रिवर बाहर की एयर से एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को अपने अंदर ले रही है और उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीऑक्सीजनेशन। और वो जो रीऑक्सीजनेशन का कर्व यहां पे जो रिप्रेजेंट करेगा उस कर्व को बोलते हैं रीऑक्सीजनेशन कर्व, और उस कर्व को मैं क्या बोलता हूं, रीऑक्सीजनेशन कर्व बोलता हूं, उस कर्व को मैं बोलता हूं रीऑक्सीजनेशन कर्व, ठीक है सर, ये भी बात समझ में आया। क्या ये वैलिड है, कब तक खत्म होगा, मैंने बोला आपको कब तक खत्म होगा, मैंने बोला 15-17 कुछ डेट दिए, 15-17 तक सब कुछ खत्म कर देंगे, बहुत सही पेस में जा रहे हैं हम लोग, तो बस धैर्य से सुनते रहो सारी बातें, बस खत्म खत्म होने की कगार पे ही आ गया है सब कुछ बातें, ठीक है, ठीक। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, अब हमने बात करी इसके बारे में, किसके बारे में, रीऑक्सीजनेशन के बारे में बात करी। तो मैंने बोला ये जो रीऑक्सीजनेशन कर्व है वो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, मतलब ये जो आपका रीऑक्सीजनेशन कर्व है वो आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन धीरे 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 पानी में क्या होते जा रही है, बढ़ते जा रही है। तो आपने कर्व नंबर वन देखा जिस कर्व को हम बोलते थे डीऑक्सीजनेशन, और आपने कर्व नंबर टू देखा जिस कर्व को हम लोग बोलते थे रीऑक्सीजनेशन, जिस कर्व को हम लोग बोलते थे रीऑक्सीजनेशन, रीऑक्सीजनेशन कर्व, ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। सर एक डाउट है मेरे दिमाग में, क्या आपके भी दिमाग में है, मेरे को बताना। मैं एक स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर ये बताइए जैसे डीऑक्सीजनेशन तो हो रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, देयरफॉर रीऑक्सीजनेशन और डीऑक्सीजनेशन टेक प्लेस। मतलब क्या बोला मैंने, हिंदी में बोलता हूं जिन लोगों के ऊपर से गया है, कि सर अगर पानी में ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है तो वो ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीजन को यूज करेगा फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑक्सीजन की वैल्यू कम होती जाएगी, इस प्रोसेस को आपने डीऑक्सीजनेशन बोला। मैंने बहुत बढ़िया, तुमको बात पता थी, तुम मेरे से क्यों पूछ रहे थे। मैंने बोला दूसरी बात यह कि रीऑक्सीजनेशन सर किन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है। सर एटमॉस्फेयर में तो पानी है कांटेक्ट में, तो फिर सर ये किन चीजों पर डिपेंडेंट है। तो मैंने बोला एक आध फैक्टर बताने की कोशिश करूंगा, शायद तुमको समझ में आए एक आध फैक्टर। तो जैसे पहला फैक्टर अगर मैं बोलूंगा,
तो मैं पहला फैक्टर बोलता हूँ डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी, पहला फैक्टर बोलता हूँ जिस पर रीऑक्सीजनेशन की बात करना चाह रहा हूँ जैसे मैं अगर आपसे, तो पहला फैक्टर मैंने बोला रीऑक्सीजनेशन के लिए इट इज डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी, इट इज डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। अब आपके दिमाग में चमकेगा एकदम से, दिमाग में चमकेगा डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी। मैंने बोला देखो अगर हम लोग डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी की बात कर रहे हैं तो अगर अगर ये शैलो वाटर बॉडी की बात कर रहा है, अगर ये शैलो वाटर बॉडी की बात कर रहा है तो रीऑक्सीजनेशन रेट ज्यादा होगा कंपैरेटिव टू डीप वाटर बॉडी के। क्या इस बात को समझ पाते हैं सब लोग कि एक शैलो वाटर बॉडी है, शैलो वाटर बॉडी का मतलब जिसकी डेप्थ कम है, जिसकी डेप्थ कम है वो ज्यादा रीऑक्सीजनेशन करेगा कंपैरेटिव टू डीप ऑक्सीजन है कंपेयर टू डीप वाटर बॉडी। जैसे कि ये रही आपकी डीप वाटर बॉडी, ये रही आपकी डीप वाटर बॉडी और ये रही शैलो वाटर बॉडी, तो शैलो वाटर बॉडी विल डू रीऑक्सीजनेशन एट अ फास्टर रेट कंपैरेटिव टू डीप वाटर बॉडी। ठीक है सर, ये बात तो समझ में आया। ठीक है, सॉरी टू आस्क यू, टाइम चेंज करने का कोई स्पेसिफिक रीजन? मेरे रेस्पेक्ट में बता देता हूं मैं, टाइम चेंज करने का ये रीजन है कि मैं चाहता हूं कि मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम आप लोगों के साथ स्पेंड कर पाऊं। तो मेरा जो पढ़ाने वाला टाइम स्लॉट चालू होता है वो सेकेंड हाफ में चालू होता है, 2 बजे के बाद मैं पढ़ाना मेनली चालू करता हूँ। तो ना क्या हो रहा था कि मैं अगर 8 बजे क्लास ले रहा था, 8:30 बजे क्लास ले रहा था, तो 10 बजे तक क्लास चलती थी, 10:15 तक जो भी क्लास चलती थी, फिर 10 से 11 भी ले लेता था तो भी मैं आप लोगों के साथ बहुत टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहा था। अभी आप देखोगे कि मैंने दिन में भी एक क्लास ले ली है, अभी भी एक क्लास ली है और रात में 9 बजे भी एक क्लास लूंगा, 9:30 बजे आपको ट्रांसपोर्टेशन के प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि दिन में मैक्सिमम टाइम मैं आप लोगों के साथ स्पेंड कर पाऊं ताकि आप अगर अगर आपने तो कैलकुलेट नहीं किया होगा, मेरे को पता है कि अगर आप इतने ही समझदार होते तो फिर क्या बात थी, बट अभी से ना 124 दिन बचे हुए हैं गेट के लिए, 124 डेज बचे हुए हैं गेट 21 के लिए, और ये 124 दिन को ना मैं हर दिन को बहुत स्पेसिफिकली काउंट कराना चाहता हूं आपको कि ना डे 124th इस दिन आपने ये काम किया है और इससे इतना सेटिस्फेक्शन मिला है। इसके बाद हम बात करेंगे, कल जो बात करेंगे डे 123, तो जिस दिन लास्ट डे होगा ना उस दिन, या तो मैं तो अभी बोल रहा हूं 50 दिन के अंदर ना, अगर 50 दिन फॉलो किया मेरे को जिस इंटेंसिटी से मैं पढ़ाना चाह रहा हूं सब ना सीन चेंज कर देंगे, मैं समझ रहे हो, बस ऐसी बात है। ठीक है चलो आओ बात करते हैं। बाकी सबको लगता है कि दिन के टाइम स्टूडेंट अवेलेबल नहीं रहते, मेरे को ऐसा लगता है कि हम जब पढ़ाएंगे तब स्टूडेंट आएगा, क्योंकि बात ही ऐसी है ना हमारी, तो आपका मेरा तो बॉन्ड है ना, कोड थोड़ी ना है, याद आया ना। ठीक है, तो मैंने बोला सबसे पहले जो बात करी है, मैंने बोला डेप्थ ऑफ वाटर बॉडी की बात करी और मैंने आपको बताया कि शैलो वाटर बॉडी हैव मोर रीऑक्सीजनेशन कॉन्स्टेंट कंपेयर, मोर रीऑक्सीजनेशन कंपेरेटिव टू डीप वाटर बॉडी, ये है एक रीऑक्सीजनेशन की बात। और बात करते हैं, और बात करते हैं, मैंने सेकंड आपको बताया कि सेकंड अगर आपसे बात करूंगा तो देखो जरा यहां पे, अगर मूविंग वाटर रहेगा तो आपको ज्यादा रीऑक्सीजनेशन देखने को मिलेगा कंपैरेटिव टू क्वेसेंट वाटर। क्वेसेंट का मतलब क्या होता है? क्वेसेंट का मतलब होता है स्टैग्नेट। एग्जाम्पल दो सर, ऐसे क्या बात कर रहे हो? मैंने बोला अगर आप बात करोगे रिवर की और अगर आप बात करोगे पॉन्ड की या लेक की, तो लेक हैज लेस रीऑक्सीजनेशन वैल्यू कंपैरेटिव टू रिवर, तो रिवर का ज्यादा रीऑक्सीजनेशन वैल्यू आपको देखने को मिलेगा कंपैरेटिव टू लेक। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं। ठीक है मेरी क्लास के लिए दूसरी क्लास मिस कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने बोला ये कुछ बातें हैं जो आपको समझना होगी। तो मैंने बोला ऐसे ही कुछ फैक्टर्स मैंने आपको बताया ऐसे जनरली कि आपको नॉलेज रहे कि ये रीऑक्सीजनेशन क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, किस किस चीजों पर डिपेंडेंट है। ठीक है सर, ये बात भी हमारे समझ में आ गई। अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो अब देखिएगा जरा यहां पर ऑक्सीजन डेफिसिट, मैंने आपको कर्व 1 बताया डीऑक्सीजनेशन कर्व, मैंने आपको कर्व 2 बताया रीऑक्सीजनेशन कर्व, यहां पर कहीं पर ऑक्सीजन डेफिसिट की बात हुई है? नहीं हुई है। तो ऑक्सीजन डेफिसिट क्या होता है सर? मैंने ना ये लाइन को देखो ध्यान से, ये नीली कलर की जो लाइन जा रही है, ये नीली कलर की लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है? मैंने ना डीओ सैचुरेटेड को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब मैक्सिमम डिसॉल्व ऑक्सीजन दैट कैन बी प्रेजेंट इन दी वॉटर। ठीक है सर, तो सर ऑक्सीजन डेफिसिट क्या होता होगा? तो मैंने बोला अगर आपसे कोई भी आज के बाद ऑक्सीजन डेफिसिट की बात करेगा तो देखो कितना प्रॉपर हम बोल सकते हैं
कि डीओ डेफिसिट या डिसॉल्वड ऑक्सीजन डेफिसिट की अगर कोई भी आपसे बात करेगा तो ये किसके बराबर होना चाहिए, तो मैंने बोला ये होना चाहिए डीओ डेफिसिट, कितना पानी में ऑक्सीजन कम है, तो मैंने बोला हम बात करेंगे डीओ सैचुरेटेड, जितना मैक्सिमम वैल्यू, हम तो हमेशा चाहते ना कि मैक्सिमम रिजल्ट्स आए, तो डीओ सैचुरेटेड मैक्सिमम ऑक्सीजन पानी में प्रेजेंट रहे, माइनस डीओ एक्चुअली प्रेजेंट इन द वॉटर, माइनस डीओ एक्चुअली प्रेजेंट इन द वॉटर, डीओ एक्चुअल, तो डीओ सैचुरेटेड में से डीओ एक्चुअल माइनस कर देंगे किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो किसकी बात करेगा, डीओ डेफिसिट की बात करेगा, वो किसकी बात करेगा, डीओ डेफिसिट की बात करेगा, ठीक है सर। तो मैंने बोला अगर मैं इसको कंबाइंडली यहां पर दिखाता हूं तो आप ये देख पा रहे हो, इस ग्राफ में ये देख पा रहे हो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे डीऑक्सीजनेशन भी हो रहा है और रीऑक्सीजनेशन भी हो रहा है, डीऑक्सीजनेशन भी हो रहा है और रीऑक्सीजनेशन भी हो रहा है। तो अब मैं इन दोनों को ध्यान में रखते हुए एक कंबाइंड कर्व बनाने की कोशिश करता हूं और वो कंबाइंड कर्व आपको डेफिसिट की वैल्यू बताएगा। तो कंबाइंड कर्व को देखने के लिए तैयार हो जाइए, एक अच्छा सा कलर चूज करते हैं, ये लीजिए। तो उस कंबाइंड कर्व को देखने के लिए तैयार हो जाइए, और वो जो कंबाइंड कर्व है वो ये रहा, मैंने वो जो कंबाइंड कर्व है वो ये रहा, ठीक है, वो जो कंबाइंड कर्व है वो ये रहा आपके लिए। और मैंने बोला ये जो कर्व नंबर थ्री आपको देखने को मिल रहा है, ये जो कर्व नंबर थ्री आप लोगों को देखने को मिल रहा है, इसी को बोलते हैं हम लोग डेफिसिट कर्व, मैंने इसी को बोलते हैं हम लोग डेफिसिट कर्व, इसी को बोलते हैं हम लोग डेफिसिट कर्व, ठीक है सर। ये भी बात हमारे समझ में आ गई कि हमने बोला ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डेफिसिट कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने बोला इस डेफिसिट कर्व पे अगर मैं बात करूंगा तो अगर मैं यहां पे किसी भी टाइम रेंडम टाइम टी की बात करता हूं, ध्यान से देखना, अगर मैं किसी भी रेंडम टाइम टी की बात करता हूं, ध्यान से देखते जाइए, ये लीजिए, मैंने बोला ये मैंने आप लोगों के लिए किसी भी रेंडम टाइम टी की बात करी है, तो किसी भी रेंडम टाइम टी पे अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डेफिसिट कितना बता रहा है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन कितनी डेफिसिट हो गई है ये बता रहा है, ठीक है। तो डीओ एट एनी टाइम टी, ये बता रहा है, और ये बता रहा है कि कितना ऑक्सीजन डेफिसिट है, ये बता रहा है कि ये कितना ऑक्सीजन डेफिसिट है, ठीक है, ये बता रहा है कि कितना ऑक्सीजन डेफिसिट है। ऐसे नहीं देखना चाहते हो, कुछ नए तरीके से देखना चाहते हो, तो गजब की चीज फिर से सिखाता हूं, कोई हमसे क्या ही एनालिसिस की बात करेगा, तो आओ जरा कुछ गजब की चीज फिर से सिखाता हूं। मैंने बोला जहां जहां पे ये टच हो रहा है उस पॉइंट को अलग अलग नाम दे देते हैं, मैंने इस पॉइंट को नाम दे देना ए, जहां ये लाइन टच हो रही है सी, मैंने इस पॉइंट को नाम दे देना डी, और मैंने बोला इस पॉइंट को नाम दे देना ई, ठीक है, ए बी सी डी ई, चार पॉइंट को नाम दे दिया हमने अलग अलग अलग, ठीक है सर, ठीक है, ये नाम दे दिया, बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे जिस पॉइंट पे मिनिमम ऑक्सीजन होगी या मैक्सिमम डेफिसिट आपको देखने को मिलेगा, उस पॉइंट के टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं टीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। और इस टीसी का मतलब क्या होता है, सब लोगों को दिख तो रहा ही होगा ये कलर, आई थिंक हाँ दिख रहा है। मैंने बोला इस टाइम टीसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल टाइम, ठीक है, ये टाइम टीसी जो आपको यहां पे दिखा है, इस टाइम टीसी को बोलते हैं क्रिटिकल टाइम, कब, जब मैक्सिमम ऑक्सीजन डेफिसिट देखने को मिलेगा। मैं ना गजब की बात को रिलेट करने जा रहा हूं, धीरे धीरे बस बेस बना रहा हूं अभी तुम लोगों का, तो मैंने इस पॉइंट को नाम दे देना ए, जहां पर यह कट कर रहा है बी, जहां पर यह कट कर रहा है सी, जहां पर यह कट कर रहा है डी, जहां पर यह कट कर रहा है ई, ऐसे ही थोड़ा आगे भी एक आध बना देता हूं ताकि हम लोगों को कनेक्ट करने में इजी रहे। ये लीजिए, मैंने इस पॉइंट को नाम दे देना ए, इस पॉइंट को नाम दे देना बी, इस पॉइंट को नाम दे देना सी, इस पॉइंट को नाम दे देना डी, इस पॉइंट को नाम दे देना ई, ठीक है, सब कनेक्शन के लिए तैयार है, कनेक्ट करें सर ठीक है। तो चलिए आइए कुछ कनेक्ट करते हैं। मैं आपसे यहां पे यह पूछना चाहता हूं कि देखो जरा यहां पे इन्होंने बोला
क्या बात है। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे कुछ कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे ये जो पॉइंट ए बी है, पूरे कर्व में देख लो, जहां पे भी तुमको ए बी दिख रहा है, जहां पे भी ये ए बी स्लॉट दिख रहा है, वो ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो पॉइंट ए बी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, अभी तक तो सब सब वो था, बचपना था, अब आएगा मजा। एनालिसिस, इसको बोलते हैं एनालिसिस। कर्व तो हर किसी को रटा होगा, कुछ लोग तो कर्व पता है कैसे कर रहे होंगे, कर्व का फोटो लेके आ रहे होंगे या चिपका दे रहे होंगे, ये देखो ये रीऑक्सीजनेशन, ये डीऑक्सीजनेशन, क्या क्या चल रहा है? चलो आओ बात करते हैं। तो मेरे को बताओ ये ए बी क्या है यहां पे? ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, टीसी पे ऑक्सीजन कम है, यस टीसी पे मिनिमम ऑक्सीजन आपको देखने को मिली। रीऑक्सीजनेशन बोल रहा है कोई मेरे को, अभी मेरे को मेरे पसंद का आंसर नहीं मिला है, जो मैं सुनना चाहता हूं वो आंसर नहीं मिला है अभी भी, जो मैं सुनना चाहता हूं वो आंसर नहीं मिला है अभी भी मेरे को, ठीक है, जो मैं सुनना चाहता हूं वो आंसर नहीं मिला है अभी तक मेरे को। ये ए बी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ए बी पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? मैं बोलूं क्या? रिऑक्सीजनेशन, पूरा कर्व ही रिऑक्सीजनेशन का है, रिऑक्सीजनेशन रिऑक्सीजनेशन लिख रहे हो। मैंने बोला ध्यान से सुनना, इस एबी की बात कर रहे हो ना, इस एबी की बात कर रहे हो ना, ध्यान से सुनो, मैंने बोला इस एबी की बात कर रहा हूं मैं, और अगर मैं ऐसा बोल देता हूं एबी को, ध्यान से सुनना, इस एबी को अगर मैं ऐसा बोल देता हूं, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्सॉर्ब्ड बाय द रिवर, एब्सॉर्ब्ड बाय द रिवर, एब्सॉर्ब्ड बाय द रिवर, बाय द रिवर फ्रॉम एटमोस्फियर। बोलो सही हूं या गलत हूं, बोलो सही हूं या गलत हूं। इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्सॉर्ब्ड बाय द रिवर फ्रॉम द एटमोस्फियर। देखो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे ये ए बी वैल्यू, अरे गलत गलत बना दिया यहां पे और देख भी नहीं रहे हो, गलत बना दिया यहां पे, देख भी नहीं रहे हो, ये ए बी ये है, ए बी सी डी कुछ भी लिखवा दे रहे हो, देख भी नहीं रहे हो, ये है बी पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये है सी पॉइंट, ठीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द वाटर एट टाइम टी, नहीं मैंने बोला ए बी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहां पे कहीं पे भी ए बी को देखोगे तो जैसे यहां देखते हैं, है ना, मैं फिर से हटा दूंगा कोई बात नहीं, पर अभी देखो सिखाने के लिए कुछ भी गंदा कर सकते हैं यहां पे। तो मैंने बोला ये ए बी यहां पे ये है, कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया रिवर ने वो ये बात हुई है, कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया रिवर ने वो ये बात हुई है, ए बी कितना ऑक्सीजन एब्जॉर्ब किया रिवर ने वो ये बात हुई है। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड बाय द रिवर, दिस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड बाय द रिवर, ठीक है, ठीक है, समझ में आया सब लोगों को? क्लियर हुआ? ठीक, बहुत बढ़िया, क्लियर होना भी चाहिए था। ठीक, तो ये मैंने आपको तीन चीजें बताई, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड बाय द रिवर इज ए बी। नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि नेक्स्ट मेरे को बताइए, ए बी तो आपने देख लिया, नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं ई सी क्या है, नेक्स्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूं यहां पे ई सी क्या है, ये रहा पॉइंट ई और ये रहा पॉइंट सी, ये रहा पॉइंट ई, ये रहा पॉइंट सी और ये रहा पॉइंट ई और ये रहा पॉइंट सी। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हरे कलर से नहीं, कुछ दूसरा कलर लेता हूं जाकि तुम्हारी दुनिया बिगड़े नहीं, ऐसा कुछ ले लेता हूं, ऐसा रैंडम कलर, मेरे को इसका नाम नहीं पता है, ठीक है, ये ईसी से, ये ईसी और ये ईसी, तो ईसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अब आप मेरे को बताओगे, ये यहां पे ईसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आप मेरे को बताओगे, ईसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे मेरे को बताएंगे ईसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। पर्पल बोलते हैं, अच्छा पहले ये बता दो ना कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो जरा यहां पे किसी ने लिखा है आंसर, किसी ने लिखा है, बहुत बढ़िया, तो आप समझ गए हो ईसी क्या है,
समझ गए ईसी क्या है? तो मैंने बोला ईसी ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, ईसी ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पे, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि आप देख रहे हो कि ये वो है जो कम होते जा रही है, सैचुरेशन में से ऑक्सीजन जो कम होते जा रही है उसको हम ईसी बोल रहे हैं, सैचुरेशन में से जो ऑक्सीजन कम होते जा रही है उसको ईसी बोल रहे हैं। तो ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को कंज्यूम कर ले रहे हैं उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मैंने बोला उसको हम ईसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है सर, मैंने बोला यहां पे अब एक और चीज पूछता हूं, एक और चीज पूछता हूं, यहां पे ईडी क्या है? मैंने यहां पे ईडी क्या है, ईडी, ईडी, तो ये रहा ईडी आपका, तो देखो ध्यान से देखो इसको, ये ईडी क्या है यहां पे, इस ईडी की बात करी, इस ईडी की बात करी, इस ईडी की बात करी, तो ये ईडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मैंने बोला ये जो कर्व आपको देखने को मिला है, मैंने बोला ये जो कर्व आप नहीं बता पाओगे, मैं बता रहा हूं, ये जो कर्व आपको यहां पे देखने को मिला है, जिस कर्व को हमने बोला था डेफिसिट कर्व, ये आपको बता रहा होगा नेट डेफिशिएंसी के बारे में। सर नेट डेफिशिएंसी मतलब? तो मैंने बोला नेट डेफिशिएंसी मतलब आपके पानी में से जितनी ऑक्सीजन कंज्यूम हुई है और आपके पानी में जितनी ऑक्सीजन रिज्यूम हुई है उन दोनों को ऐड करोगे तो जो डेफिशिएंसी देखने को मिलेगी उसको आपने बोला है नेट डेफिशिएंसी, उसको आपने बोला है नेट डेफिशिएंसी। ठीक है, ऑक्सीजन डेफिसिट, वेरी गुड, तो उसको आपने बोला है नेट डेफिशिएंसी, वेरी गुड। तो मैंने बोला यहां पे ईडी की कोई भी आपसे बात करेगा, मैंने बोला यहां पे आपसे कोई भी ईडी की बात करेगा तो दिस इज योर ईडी, ओहो दिस इज योर ईडी, और ईडी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? मैंने बोला ईडी को हम लोग नेट डेफिशिएंसी से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब ईडी को हम लोग नेट डेफिशिएंसी से रिप्रेजेंट करेंगे। इस पूरे ग्राफ को मैं चाहता था आपको फोटो बना के ला सकता था, बट फोटो बना के लाने की जरूरत ही नहीं है, जब आप लोग खुद इतना गजब का डायग्राम बनाओगे ना किसी के सामने तो मतलब आपको भी कॉन्फिडेंट फील होगा और आपको हर बात पता रहेगी इसके बारे में, आपको हर बात पता रहेगी क्या बोलना चाह रहा है वो आपसे। ठीक है, मैं पूछना चाहता हूँ एडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है अब यहाँ पे, मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ कि एडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, मैं पूछना चाहता हूँ एडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस ग्राफ में, देखो एडी क्या है और एडी बताइए एडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। एडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है जल्दी से बताइए, एडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बताएगा जल्दी से मेरे को? मैंने चलो आओ मैं बताता हूं, मैंने चलो आओ मैं बताता हूं, मैंने यहां पे एडी रिप्रेजेंट कर रहा है ये, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राघव, ऑक्सीजन लेफ्ट। मैंने बोला जब जब आपसे यहां पे बात कर रहा है ईडी जो है ये ऑक्सीजन डेफिसिट है या ऑक्सीजन नेट डेफिशिएंसी है तो ऑक्सीजन लेफ्ट कितना है, ए से डी है वही ऑक्सीजन बची हुई है, तो ये रिप्रेजेंट करता है एडी, यहां पे रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन लेफ्ट की, ये रिप्रेजेंट करता है कितनी ऑक्सीजन बची हुई है वो है आपका एडी, वो कितनी ऑक्सीजन बची हुई है वो है आपका एडी। ठीक है सर, बहुत बढ़िया, यहां तक की बात क्लियर हुई है सब लोगों को, यहां तक की बात क्लियर हुई है सब लोगों को? ठीक है सर, ऑक्सीजन लेफ्ट, ऑक्सीजन लेफ्ट इज द राइट आंसर। ठीक है, अब यहां तक ही तो पूरी बातें सबको समझ में आ गई होगी और ये ग्राफ देख के आज के बाद आप सारी बातें कर भी पाओगे। इस ग्राफ का एक बहुत ही उम्दा रोल है, वो रोल ये है कि आप यहां पे एक स्टेटमेंट बहुत आराम से लिख सकते हो, यहां पे एक स्टेटमेंट बहुत आराम से लिख सकते हो जिसको मैं यहां पे स्टार मार्क डाल के लिख रहा हूं आप लोगों के लिए, जिसको मैं यहां पे स्टार मार्क डाल के लिख रहा हूं कि आप बोलेंगे कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमेशा वैलिड रहता है इस ग्राफ में, इस ग्राफ में ये हमेशा वैलिड रहता है कि आपका ए बी जो है या आपका जो ए बी है वो हमेशा सी डी के बराबर रहेगा, आपका जो ए बी है वो हमेशा सी डी के बराबर रहेगा। तो मैंने आपका जो ए बी है वो हमेशा किसके बराबर रहेगा, सी डी के बराबर रहेगा, ये इस ग्राफ में हमेशा वैलिड रहेगा ये स्टेटमेंट, ये इस ग्राफ में हमेशा वैलिड रहेगा स्टेटमेंट। सर लगता तो नहीं है, मैं चेक करते हैं, है ना, मैंने बोला चेक करते हैं, चलो आओ चेक करते हैं। मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे एक कुछ भी रेंडम नंबर लेते हैं, हमको तो पता है कि हम नंबर लेने में बहुत हीरो हैं, तो मैंने बोला हम नंबर लेके चेक करना चाहते हैं। मैंने मान लो किसी भी दिन ए ई की वैल्यू 10 के बराबर दी हुई है, मान लो किसी भी दिन ए की वैल्यू 10 दे रखी है, ए मतलब
यहां से लेके यहां तक की बात कर रखा है, यहां से लेके यहां तक की बात कर रखी, तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है। ठीक है सर, मान लिया आपकी बात। मैंने मान लो ए बी की जो वैल्यू है, मान लो ए बी की जो वैल्यू दे रखी है वो 3 दे रखी है। मान लो जो ए बी की वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। ठीक है, मान लो ए बी की वैल्यू जो दे रखी है वो 3 दे रखी है। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। तो मैंने लगा ए की वैल्यू 10 दे रखी है, मैंने लगा ए बी की वैल्यू 3 दे रखी है, और मैंने लगा मान लो कि ई सी की जो वैल्यू आपको दे रखी है, मैंने मान लो ई सी की जो वैल्यू दे रखी है वो 7 दे रखी है। ई सी की जो वैल्यू दे रखी है वो 7 दे रखी है, ई सी की जो वैल्यू दे रखी है वो 7 दे रखी है। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी ईडी की वैल्यू क्या होगी, नेट डेफिशिएंसी आपकी किसके बराबर होगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो आपकी ईडी वैल्यू है, या जिसको आप नेट डेफिशिएंसी बोलते हो, जिसको आप नेट डेफिशिएंसी बोलते हो वो किसके बराबर होगी, जिसको आप नेट डेफिशिएंसी बोलते हो वो किसके बराबर होगी, जिसको आप नेट डेफिशिएंसी बोलते हो वो किसके बराबर होगी, आपकी नेट डेफिशिएंसी किसके बराबर होगी, जरा बताओ मेरे को, नेट डेफिशिएंसी किसके बराबर होगी, ईडी जिसको आप बोलते हो वो किसके बराबर होगी। ध्यान से देखो और मेरे को बताओ कि ये जो नेट डेफिशिएंसी है ये किसके बराबर होना चाहिए आपकी। अच्छा, शैलेंद्र सर इज ऑल्सो विद अस। ईसी माइनस ईडी लिखा है किसी ने। चलो, तुमको ना एक मौका दिया जाता है। अब मैंने तुमको इतना ग्राफ सिखा दिया है, मैं तुमको इतना ग्राफ सिखा दिया है, तो मैं चाहता हूं कि तुम इस बात को मेरे को प्रूव करके है ना दिमाग लगाओ थोड़ा सा। मैं चाहता हूं ब्रेनस्टॉर्मिंग करो और लगाओ दिमाग कि क्या सर क्या होना चाहिए बात, ये क्या सर क्या बात होना चाहिए ये। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस पर पूरा दिमाग लगा लो, जितना दिमाग लगा सकते हो, और दिमाग लगा के मेरे को बताना कल जब हम वापस इस पर बात करेंगे, तो कल मेरे को देख के बताना कि हाँ सर ये नेट डेफिशिएंसी इसके बराबर होना चाहिए। बहुत बढ़िया, महेश ने आंसर किया 4 के बराबर, और जो कि करेक्ट आंसर है। महेश ने आंसर किया 4 के बराबर, जो कि करेक्ट आंसर है। बाकी लोगों के लिए मैं चाहता हूं कि एक बार दिमाग लगा के देखो, क्योंकि हर बार मैं तुमको लड्डू बना के हाथ से खिलाऊंगा उससे बेटर है कि अपना लड्डू खुद बनाओ और खाओ। ठीक है, मैंने रेसिपी बता दी है, तो हर बार ऐसा होगा ही नहीं पॉसिबल। ठीक है, ठीक ठीक है। कुछ लोग 3 बोल रहे हैं, बट करेक्ट आंसर नेट डेफिशिएंसी का 4 है। तो थिंक ओवर इट। मैं चाहता हूं कि दिमाग चले तुम्हारा, है ना, ऐसा नहीं हो जाए ना कि सब कुछ मैं ही बता दे रहा हूं तो तुम बस इंजॉय करने आ रहे हो यहां पे, है ना। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं, है ना। ये जस्ट थिंक अबाउट दिस। और जो लोग भी रिकॉर्डेड देखोगे, वो यहां पर वीडियो को स्टॉप कर देना, सोचना और कमेंट बॉक्स में आंसर करना कि हाँ सर ये आंसर आ गया, ऐसे ऐसे आया है आंसर। ठीक है, ऐसे ऐसे आया आंसर। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहां तक ही तो बात समझ में आ गई, अब सर हमारे लिए दिक्कत ये थी कि नाउ वी नीड टू फाइंड, अब ये हर बार तो एनालिसिस इज नॉट पॉसिबल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कन्वेंस वाला टॉपिक नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन का तो टॉपिक हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक तो हुआ है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बोला, मैंने आपसे बोला कि अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं, किसके बारे में बात करना चाहता हूं, मैंने बोला अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं ऑक्सीजन डेफिसिट के बारे में। तो अगर ऑक्सीजन डेफिसिट इन रिवर स्ट्रीम की बात कर रहा हूं, मैंने इसी मैंने सीडी कहा था। अच्छा ठीक है, कहा होगा मैं सुन, मतलब ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो अब चलो आओ, अब हम क्या बात कर रहे हैं, रॉ वाटर की ही बात कर रहा हूं मेरे लाल, कि हमने किया है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे मैं आपसे क्या बात कर रहा हूं, तो मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि अब ना आपको ऑक्सीजन डिफिसिट किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर टी चाहिए, ऑक्सीजन डिफिसिट डीसी चाहिए आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम टी पे, तो आप कैसे निकालते हो, किसी भी कर्व के लिए ऑक्सीजन डिफिसिट वैल्यू डीसी चाहिए आपको। ठीक है सर, ऑक्सीजन डिफिसिट वैल्यू डीसी चाहिए, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं हम ऑक्सीजन डिफिसिट वैल्यू एट एनी टाइम टी। तो हम लोगों को स्ट्रेटर फिलिप्स ने एक इंपेरिकल इक्वेशन दी,
और उन्होंने बोला इस एम्पिरिकल इक्वेशन के हिसाब से, तो मैं बता रहा हूं कि टू नीड टू, व्हेन यू नीड टू फाइंड ऑक्सीजन डेफिसिट वैल्यू ऑफ अ रिवर मुझे इतना सही लगता है ना ये देख के, मेरे को मतलब एकदम सही फील हो जा रहा है, हिल रहा है ना वो पेड़, इसलिए टू फाइंड द ऑक्सीजन डेफिसिट वैल्यू ऑफ अ रिवर एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय स्ट्रेटर फिलिप्स इक्वेशन। तो देखते हैं ये स्ट्रेटर फिलिप्स इक्वेशन क्या है, सर आई हैव लर्नड एनवायरमेंट इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम यू, थैंक यू सो मच सर, आई मुझे आपके बारे में पहले पता नहीं चला था, चला होता, थैंक यू बोला, अब पता चला है, ठीक है। तो मैंने बोला टू फाइंड द ऑक्सीजन डेफिसिट वैल्यू ऑफ अ रिवर एट एनी टाइम टी, तो किसी भी टाइम टी पे हम ऑक्सीजन डेफिसिट वैल्यू पता करना चाहते हैं, तो उन्होंने हम लोगों को एक एम्पिरिकल इक्वेशन दी, और उस एम्पिरिकल इक्वेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं, तो देखना जरा यहाँ पे कैसे लिखते हैं। तो ये जो एम्पिरिकल इक्वेशन है ये आपको रटना पड़ेगी, ठीक है, ये जो एम्पिरिकल इक्वेशन है आपको रटना पड़ेगी, डीटी है ना, तो ऑक्सीजन डेफिसिट एट एनी टाइम टी इज इक्वल टू केडी इंटू एल अपॉन में केआर माइनस केडी, केडी इंटू एल अपॉन में केआर माइनस केडी मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस केडी इंटू टी प्लस सॉरी माइनस 10 टू द पावर माइनस केआर इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय प्लस डी नॉट इंटू 10 टू द पावर माइनस केडी इंटू टी के बराबर, ये है आपकी इक्वेशन जो आपको रटना पड़ेगी, ठीक है। तो दो चार बार दस बार करोगे, सॉरी के आर होना चाहिए बस, तो मैंने बोला दो चार बार दस बार लगाओगे तो अपने आप याद हो जाएगी, ठीक है। अब मेरे साथ तो ऐसा कि मैं जब जब पढ़ाता हूँ बस तब तभी सॉल्व कराता हूँ, एल्स अगर आप 50 बार इसके क्वेश्चन लगाओगे तो अपने आप याद हो जाती है ये क्वेश्चन, ठीक है, कोई भी बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने भी रटी थी, आपको भी रटना पड़ेगी, क्योंकि कोई और तरीका नहीं है, प्रूव करने जाओगे वहां पे सिर्फ स्ट्रेटर फिलिप्स का एक क्वेश्चन करके आना, दो नंबर विनिंग साइन दिखाना ऐसे करके, ठीक है, ठीक है। क्या हो गया, क्या छूट गया है, गिवन छूट गया, मतलब नहीं समझा गिवन क्या था, समझ नहीं पाया क्या बोला आपने, ठीक है। तो मैंने बोला ये है आपका स्ट्रेटर फिलिप्स इक्वेशन, आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि सर यहां पे कौन कौन क्या क्या है, आप लोगों का क्वेश्चन होगा सर यहां पे कौन कौन क्या क्या है, तो देखिए यहां पे कौन कौन क्या क्या है वो बात करते हैं, देखिएगा जरा यहां पे कौन कौन क्या क्या है। तो मैंने बोला यहां पे डीटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डीटी रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन डेफिसिट एट एनी टाइम टी, डीटी रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्सीजन डेफिसिट वैल्यू एट एनी टाइम टी की बात कर रहा है, ठीक है सर। मैंने यहां पे केडी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने केडी यहां पे रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट की बात कर रहा है, रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट की बात कर रहा है केडी यहां पे। मतलब केडी की एक बहुत ही गंदी आदत है वो ये है, केडी की गंदी आदत ये है, मतलब जिन लोगों को ना ये ग्राफ समझ में आ गया ना, मैं चाहता हूं कि एक बार लाइक करो करके सेशन को, क्योंकि ना मेरे को ऐसा लगता है कि दिस इज वेरी परफेक्ट थिंग, कि यार आपको ना मैं खुद बना के ग्राफ दिखा रहा हूं, एल्स ये मेरे लिए बहुत इजी था कि मैं एक इमेज को गूगल से सर्च करता यहां पे डालता और एक मिनट में मैक्सिमम 10 मिनट में मैं सारी बातें कर देता आपके लिए, बट इट इज ऑल अबाउट द एनालिसिस व्हिच आई वांट टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ यू, सो दैट यू विल हैव अ गुड आइडिया अबाउट इट फ्रॉम वेयर दिस ग्राफ इज कमिंग आउट, एल्स इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू जज फ्रॉम वेयर दिस डीऑक्सीजनेशन कर्व, वेयर दिस रीऑक्सीजनेशन इज कमिंग एंड हाउ दिस ऑक्सीजन डेफिसिट कर्व इज फॉर्मिंग, ठीक है। तो बस यही बातें हैं, ठीक है। मैंने पूरी इंग्लिश बोली जितनी रटी थी तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा था, मैंने देखो जरा यहाँ पे मैं क्या बता रहा था, तो मैं आपको केडी की बात बता रहा था, तो केडी की एक बहुत बुरी आदत है वो ये है कि केडी ना सिर्फ 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टैंडर्ड है, केडी ना सिर्फ 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टैंडर्ड है, बाकी सारी जगह केडी क्या है डिफरेंट है, और रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट बोला जाता है इसको, तो ये ना अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से बिहेव करता है,
अलग अलग जगह पे अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से बिहेव करता है। तो KD फिर एट एनी टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड जब भी आप निकालते हो तो इट इज इक्वल टू KD एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाय 1.047 होल रेस टू द पावर T माइनस 20 के बराबर। ठीक है, तो यहां से फिर आपको वो वैल्यू निकालना पड़ती है, यहां से फिर वो आपको बची हुई वैल्यू निकालना पड़ती है। समझ में आई ये बात? आई होप समझ में आई होगी, ये सारी बात समझ में आई होगी सब लोगों को। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। तो ये तो हुई बात किसके बारे में, KD के बारे में बात हुई। नेक्स्ट बात करते हैं यहां पे तो नेक्स्ट है KR। KR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मतलब यहां पे KR रिप्रेजेंट कर रहा है रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट की बात कर रहा है, रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट की बात कर रहा है। तो जैसे डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट की गंदी आदत है, कि जैसे रेट ऑफ डीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट की गंदी आदत है कि वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टैंडर्ड है, वैसे ही रेट ऑफ रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट की भी गंदी आदत है कि वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टैंडर्ड है, वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे स्टैंडर्ड है। आज याद करो जितने भी लोग मेरे साथ स्पेशल क्लास में थे और जो लोग भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, वहां पे आकाश ने एक क्वेश्चन दिया था रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपको निकालना था। ठीक है, आकाश ने क्वेश्चन दिया था कि आपको रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड निकालना था। तो मैंने उसको बोला था कि आज की क्लास में मैं बताऊंगा आपको KR क्या होता है। तो ये है आपका KR जिसको आपने क्या बोला, रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। ये है आपका रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट, अगर आपको याद आ गया हो तो, रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट। और मैंने बोला यहां से अगर आप रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट एट एनी टाइम टी निकालना चाहते हो, टी डिग्री सेंटीग्रेड, तो इट इज इक्वल टू KR एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड मल्टीप्लाइड बाय, जैसे ये 1.4047 है, ऐसे ही ये जो वैल्यू है ये 1.016 के बराबर है। तो मैंने बोला ऐसे ही ये वैल्यू 1.016 होल रेस टू द पावर टी माइनस 20 के बराबर है। यहां से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, यहां से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये वैल्यू बोला 1.016 टी माइनस 20 के बराबर। तो आज के बाद रीऑक्सीजनेशन कांस्टेंट के बारे में भी आप लोग चीजें याद रखोगे, आई होप ये बात समझ में आ गई। ठीक है, एसएसजेई के पास ये वैलिड, एसएसजेई के पास ये वैलिड है, मतलब सब जगह वैलिड है, ये सब जगह वैलिड है, ये इसमें क्या दिक्कत है? जेई के पास अलग होगा क्या ये फॉर्मूला? बहुत अंजी है इंग्लिश मत सीखो भाई, कोई काम की नहीं है। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। इसके बाद बात करते हैं ये एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, कोई मेरे को बताएगा ये एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा? तो मैंने लगा ये एल रिप्रेजेंट कर रहा है अल्टीमेट बीओडी को। मैंने लगा ये एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने ये एल यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपको अल्टीमेट बीओडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने ये एल यहां पर अल्टीमेट बीओडी को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई बताएगा? डी नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो मैंने ना देखना जरा यहाँ पर डी नॉट की अगर आपसे बात करी जाती है, अब मैं यहाँ से कुछ भी क्लिक करूंगा तो ये गायब हो जाएगा, इसलिए मैं डी नॉट को यहाँ लिख के बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये डी नॉट को यहाँ लिख के बता रहा हूँ। तो अगर आप मेरे से पूछोगे ये डी नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैंने ना ये डी नॉट आपको रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, ये डी नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैंने ये डी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट को, मैंने ये डी नॉट रिप्रेजेंट कर रहा है इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सर नहीं आया समझ में, मैं नहीं आया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट को कैसे शो करेंगे? अब हमारे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया ये तो। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे, अगर ये बड़ा क्वेश्चन हो गया है तो इसको हम लोग देख लेते हैं। तो मैंने बोला देखो जरा यहाँ पे कैसे देखते हैं इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट आप कैसे बताते हो। तो मैंने बोला इनिशियल ऑक्सीजन डेफिसिट डी नॉट इज इक्वल टू कैसे बताओगे, तो ये ऐसे बताओगे कि आपका जो भी डीओ सैचुरेटेड वैल्यू होती है इसमें से आप माइनस कर देते हो डीओ मिक्स वैल्यू, डीओ मिक्स एट एनी टाइम टी नॉट जीरो, टी जीरो पे जैसे ही आपने पानी में सीवेज में रिवर में सीवेज मिलाया उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डीओ वैल्यू क्या हो गई उसकी बात करी आपने, और ऐसी बात कर रहे हो तो आपके लिए डीओ मिक्स एक अच्छा फैक्टर हो गया कि डीओ मिक्स आपको बताना है। और अगर आपको डीओ मिक्स बताना है तो डीओ मिक्स देखो कितना आसान है, डीओ मिक्स निकालने के लिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, डीओ मिक्स निकालने के लिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आपने क्या किया है ये है आपकी नदी, मतलब आपने क्या किया है ये है आपकी नदी,
और इस नदी में आप चाहते हो कि यहां से वेस्ट वाटर मिलाऊं, जिसको मैं क्यू सीवेज बोल रहा हूं। यहां पे इसका डिजॉल्व ऑक्सीजन है और डीओ सीवेज है। यहां पे मैं बात कर रहा हूं क्यू रिवर की बात कर रहा हूं, और यहां पे डीओ जो है डीओ रिवर की बात कर रहा हूं। तो अगर यहां से आपसे डीओ मिक्स की कोई भी बात करेगा तो डीओ मिक्स को आप लिख सकते हो इट इज इक्वल टू मतलब क्यू ऑफ सीवेज मल्टीप्लाइड बाय डीओ ऑफ सीवेज प्लस क्यू ऑफ रिवर मल्टीप्लाइड बाय डीओ ऑफ रिवर होल डिवाइडेड बाय क्यू एस प्लस क्यू आर के बराबर। ठीक है, इस तरीके से आप डीओ मिक्स निकाल लोगे, और एक बार अगर डीओ मिक्स आ गया तो हम इनिशियल डिजॉल्व इनिशियल ऑक्सीजन डिफिसिट पता कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। कुछ लोगों ने पूछा, यहां तक की तो बात आ गई समझ में। कुछ ने एल अल्टीमेट वीओडी बता दिया था, कुछ भी नहीं बचा ना, नहीं बचा। एक और बात बता देता हूं, यहीं पे एक और बात बता देता हूं। इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट। तो मैंने बोला ये कौन कौन बता रहा हूं मैं आपको, एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। इसको बोलते हैं एफ, इसको बोलते हैं एफ, और इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ, इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ प्यूरिफिकेशन, सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट, इसको बोलते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट। मतलब इसकी वैल्यू क्या होती है, तो इस एफ की वैल्यू होती है के आर बाय के डी को बोलते हैं आप सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट। एफ इज इक्वल टू के आर बाय के डी, इसको बोलते हैं आप सेल्फ प्यूरिफिकेशन कांस्टेंट। बीओडी मिक्स जैसा फॉर्मूला, यस, मिक्सिंग की जब भी बात होगी ऐसे ही सेम फॉर्मूला आता है, मिक्सिंग की जब भी बात होगी ऐसे ही सेम फॉर्मूला आता है। ठीक है भाई, यहां तक कौन कौन मेरे साथ हो ये बता दो अभी, यहां तक कौन कौन मेरे साथ हो ये बता दो अभी। यहां तक अभी तक मेरे साथ कौन कौन है वो बता दो, कि भूल गए सब, सब बातें दिमाग के परे चली गई है। यहां तक सब साथ हैं, ये समझ में आ गया। स्ट्रेटर फिलिप्स इक्वेशन यहां क्या बता रही है, ये बता रही है ऑक्सीजन डिफिसिट वैल्यू एट एनी टाइम टी, ऑक्सीजन डिफिसिट वैल्यू एट एनी टाइम टी। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहां तक सब साथ है ना, बहुत बढ़िया। अगर यहां तक सब साथ हो, अगर यहां तक सब साथ हो तो मैंने बोला ध्यान से देखना, अब मैं आपको कुछ नई बात बताने वाला हूं, अब मैं आपको कुछ नई बात बताने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगर आप यहां तक साथ थे तो ये लो अगली बात सुनो, ये लो अगली बात सुनो। अगली बात मैं ये बोलना चाहता हूं, अगली बात मैं ये बोलना चाहता हूं आपसे, अगली बात मैं ये बोलना चाहता हूं कि मैं आपको बता रहा था अभी तक, जो मैं आपको बता रहा था अभी तक, जो मैं आपको बता रहा था वो मैंने बताया आपको कि मैं आपसे ऑक्सीजन डिफिसिट वैल्यू एट एनी टाइम टी बात कर रहा हूं। अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो ऑक्सीजन डिफिसिट है ये क्रिटिकल वैल्यू आ जाए, ये क्रिटिकल वैल्यू आ जाए, डीसी आ जाए। डीसी मतलब क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिसिट वैल्यू, डीसी मतलब क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिसिट वैल्यू। और ये कब आएगी, तो मैंने बोला ऐसा बोल दूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ डीटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो पे ला दूंगा तो मैक्सिमम मिनिमम वाली कंडीशन आ जाएगी। बोलिए यस और नो। तो अगर ये मैक्सिमम मिनिमम वाली कंडीशन आ जाएगी तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी हमारी कितनी होगी, इसकी मिनिमा निकाल लेंगे, डिफरेंशिएट करके जीरो करा मिनिमा आ जाएगा। तो वो जो इक्वेशन लिखी थी स्ट्रेटर फिलिप्स की, उसको जब आप डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर लाओगे तो वो वैल्यू अब आपको किसके बारे में बात करेगा, मतलब वो वैल्यू अब आपको डीसी दे रहा होगा, क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिसिट वैल्यू कितनी आएगी वो बात कर रहा होगा। वो आपसे क्या बात कर रहा होगा, वो क्रिटिकल, अगर मेरे को पूरा नहीं करना होता सिलेबस तो मैं आपको यहां तक भी क्यों लाता, मैं आधा पढ़ाता और आधे के बाद आधा उड़ाता, समझ रहे हो, इतना धैर्य से हर बात को नहीं बताता। पुराने लेक्चर्स देखोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, ठीक, चलिए आइए आगे बात करते हैं। तो मैंने डीसी किसकी बात कर रहा है, तो मैंने ये डीसी बात कर रहा है, क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट वैल्यू की बात कर रहा है। और अगर यहां पे डीसी निकालना है, मैंने ये डीसी किसकी बात कर रहा है, क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट वैल्यू की बात कर रहा है।
तो मैंने बोला ये किस टाइम पे मिल रहा होगा ये बात करने वाला हूं मैं कि क्रिटिकल टाइम क्या होगा जब आपको क्रिटिकल डेफिसिट वैल्यू मिल रही होगी तो क्रिटिकल टाइम क्या होगा। अच्छा बाउंस हो गया ये कंसेप्ट, धैर्य रखो बस बताता हूं, बिल्कुल बताऊंगा। बाउंस हो गया तो मैं बताता हूं, बिल्कुल बताता हूं। मैंने अभी बस इतना ध्यान रखो मैं जो बोल रहा हूं उसको देखना। 1 बाय टी सी इज इक्वल टू, 1 बाय टी सी इज इक्वल टू, जब आपने उसको डिफरेंशिएट किया तो आ रहा होगा 1 अपॉन के डी इंटू एफ माइनस 1 लॉग टू द बेस 10, बेस 10 में चल रही है क्या बात, ठीक है, लॉग टू द बेस 10 एफ इंटू 1 माइनस एफ माइनस 1 इंटू के डी या के आर कुछ होता है, हाँ इंटू डी नॉट बाय एल, इंटू डी नॉट बाय एल के बराबर। चलो बताता हूँ, कंसेप्ट सुनना चाहते हो, कंसेप्ट सुनना चाहते हो तो ये लो कंसेप्ट सुनो, कंसेप्ट सुनो मैं जो बोल रहा हूँ। एफ एफ में लिख दिया मैंने, मैं चाहूँ तो इसको आपको के डी के आर में भी लिख सकता हूँ, मैं मतलब डिफरेंशिएट करके क्या वैल्यू आएगी वो लिख देता हूँ पहले, ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि ये एफ कहाँ से आ गया जब इसको डिफरेंशिएट किया, तो वो एफ ऐसे आया क्योंकि जितने भी के डी थे मैंने, जितने भी के डी और के आर थे मैंने उसको के आर बाय के डी करके एफ में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि ये फॉर्मूला जल्दी याद हो जाता है, ये फॉर्मूला जल्दी याद हो जाता है, ये फॉर्मूला जल्दी याद हो जाता है कंपैरेटिव टू जो अगला फॉर्मूला लिखूंगा, ये यही लिखा हुआ है, ठीक है ये यही लिखा हुआ है। देखो जरा अगला फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूं, अगला फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूं, रुको एक सेकेंड, ये लीजिए अगला फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूं। तो अगला फॉर्मूला ये बोलता होगा, क्योंकि मैंने इसको हमेशा ऐसे याद किया है, अगर आपको फिर भी नहीं याद रहता है तो मैं दूसरे टाइप से लिख देता हूं। तो ये रहा आपका अगला फॉर्मूला, यही है जो इसी को अलग फॉर्मेट में लिखा KD KR के टर्म्स में, तो इसको लिखते हैं 1 अपॉन KR माइनस KD, 1 अपॉन KR माइनस KD log टू द बेस 10, log टू द बेस 10 KD इंटू L माइनस KR माइनस KD माइनस KR माइनस KD होल डिवाइडेड बाय KD इंटू L होल डिवाइडेड बाय KD इंटू L मल्टीप्लाइड बाय डी नॉट मल्टीप्लाइड बाय के आर बाय के डी, ऐसा लिखा रहता। तो देखो इसको याद करने से अच्छा है मैंने, देखो त्रिलोचन ऐसा करना ना, तू रिकॉर्डेड देख लेना मेरे भाई, है ना रिकॉर्डेड देख लेना, क्योंकि अब मैंने टाइम डिसाइड कर लिया 5:30, तो मैं 5:30 ही ले पाऊंगा क्योंकि बाकी सारे स्लॉट्स फुल हो चुके हैं, बाकी सारे लोगों का क्लास रहता ना, और मैं नहीं चाहता हूं कि मैं किसी के भी पैरेलल में क्लास लूं क्योंकि फिर बच्चे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं ना, ठीक है ठीक ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखने से ज्यादा अच्छा है कि आप ये फॉर्मूला याद रखो, क्योंकि डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो के आर बाय के डी को एफ लिख सकते हो, के आर बाय के डी को एफ लिख सकते हो। मैंने ये फॉर्मूला यहीं से डिराइव किया, यहां से ही डिराइव करके आया ये फॉर्मूला। कैसे आया होगा तो जिन लोगों को ये जानना है कि कैसे आया होगा, तो मैंने लगा KD को कॉमन ले लो इस इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में से KD को कॉमन लो, यहां पे KD को कॉमन लो, तो जब आपने यहां से KD को कॉमन लिया तो ये बचा हुआ है 1 अपॉन KD कॉमन ले लिया आपने, तो यहां पे बचा हुआ है आपका KR बाय KD माइनस 1, तो ये देखो KR बाय KD को F लिख दिया आपने, KR बाय KD को F लिख दिया log टू द बेस 10। यहां पे बात करते हैं, यहां से KD को कॉमन ले लो, यहां से KD को कॉमन ले लो, तो आपने यहां लिखा KD, KD को बाहर निकाल लिया, आपके पास बचा है L माइनस, इस पूरे में से बाहर निकालना था ना हमको, तो इस पूरे में से बाहर निकाला हमने, तो ये D नॉट, इस पूरे को एक टर्म मान लेते हैं, इस पूरे को एक टर्म मान लेते हैं, हाँ ठीक है, KD को बाहर निकालोगे ये KR बाय KD हो जाएगा, यहाँ KD, यहाँ से KD KD बाहर, ये रहा वो KD, L माइनस, L माइनस ब्रैकेट में KR बाय KD, KR बाय KD माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय D नॉट होल डिवाइडेड बाय KD इंटू L के बराबर। यहाँ से KD कैंसिल कर देंगे, खत्म हो गया गेम। और ये KR बाय KD अलग से ही लिखा हुआ था आपके लिए, यहाँ पे KR बाय KD पहले से लिखा हुआ था, ये रहा F, बस हो गया F इंटू, ये हो गया देखो F माइनस 1, ठीक है खत्म हो जाएगा। L भी बाहर निकाल लोगे, L अगर बाहर निकाल लोगे यहाँ से तो ये L यहाँ आ जाएगा, ये D नॉट बाय L हो जाएगा, L से L भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो इतना रटने से अच्छा है इस F एक्सप्रेशन को रखो, 1 अपॉन KD इनटू F माइनस 1 log टू द बेस 10 F log टू द बेस 10 F 1 माइनस F माइनस 1 इनटू D नॉट बाय L के बराबर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
चलिए आइए। तो कुछ लोगों के बाउंस हो गया था, कुछ लोगों को ये फॉर्मूला, तो मैं बता रहा हूं कि ये कैसे आया होगा। ठीक है, मैं चाहता नहीं हूं कि मैं पूरा डिफरेंशिएट करके बताऊं, इसलिए मैं डायरेक्ट आपको टू दी पॉइंट बात कर रहा हूं, क्योंकि वो टाइम नहीं है हमारे पास कि हम इसको रटे। डीसी में होता क्या है, ठीक है, डीसी में होता क्या है ये बात करना चाहते हैं कुछ लोग मेरे से। तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे मैं आपसे क्या बात करना चाहता हूं, ध्यान से देखो मैं आपसे यहां पे क्या बात कर रहा था, ध्यान से देखो मैं आपसे क्या बात कर रहा था। तो मैंने बोला ये देखो जरा यहां पे ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है डीसी, मैंने ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है डीसी, क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिसिट कौन सा, क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिसिट मतलब मिनिमम ऑक्सीजन डिफिसिट, मैक्सिमम ऑक्सीजन डिफिसिट वैल्यू कब आएगी। अब इस मैक्सिमम ऑक्सीजन डिफिसिट वैल्यू के लिए मैंने ये देखो ये किसकी बात कर रहा है, डीटी की बात कर रहा है, किसी भी टाइम टी पे हम बात करें तो इस इक्वेशन की, इस कर्व की इक्वेशन की बात करूंगा तो ये डीटी पे बात कर रहा है, किसी भी ऑक्सीजन डिफिसिट ऑक्सीजन वैल्यू की बात कर रहा है। तो आपने डीटी के लिए फॉर्मूला देख लिया था, तो आपने डीटी के लिए फॉर्मूला देखा था, सॉरी आपने डीटी के लिए फॉर्मूला देख लिया था कि डीटी इज इक्वल टू केडी इंटू एल, ये फॉर्मूला देखा था, डीटी इज इक्वल टू केडी इंटू एल अपॉन में केआर माइनस केडी अपॉन में केआर माइनस केडी मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर माइनस केडी इंटू टी माइनस 10 टू द पावर माइनस केआर इंटू टी मल्टीप्लाइड बाय प्लस डी नॉट इंटू 10 टू द पावर माइनस केआर इंटू टी के बराबर, ये फॉर्मूला देखा था डीटी के लिए। इसका मतलब है ये कौन सी इक्वेशन की बात कर रहा है, ये देखो ये किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, इसको छोटा करते हैं, ठीक है, मैंने ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, मैंने बोला ये इक्वेशन किसी भी टाइम टी पे, अगर आप यहाँ पे अलग अलग टाइम पे इसको देखते जाओगे तो ये अलग अलग टाइम पे ऑक्सीजन डिफिसिट की वैल्यू बताते जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि सर मेरे को ये बताइए कि ये क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिसिट वैल्यू डीसी कितना होना चाहिए। तो मैंने बोला अगर आप डी टी इज इक्वल टू डी सी रखना चाहते हो, एनी टाइम टी पे इसकी वैल्यू डी सी के बराबर जो रहा है, ये मिनिमम वैल्यू हो जाए तो ये कब होगा। तो आपने बोला ये मिनिमम करने के लिए इस इक्वेशन को क्या कर दो, आप इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके जीरो के बराबर कर दो, टाइम के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करो और इसको जीरो के बराबर कर दो तो आपको डीसी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर, सर ये जब ये वैल्यू डीसी आ रही है, जब ये वैल्यू डीसी आ रही है, मैक्सिमम क्रिटिकल वैल्यू आ रही है, ये मैक्सिमम डेफिसिट वैल्यू आ रही है, तो उस पॉइंट पे सर ये टाइम क्या हो रहा है, उस पॉइंट पे सर ये टाइम क्या हो रहा है। तो मैंने बोला उस पॉइंट पे ये टाइम हो रहा है टीसी के बराबर, क्रिटिकल टाइम टी के बराबर। तो मैंने आपको क्या निकाल के बताया है यहाँ पे, अभी मैंने आपको यहाँ पे ये क्रिटिकल टाइम टी निकाल के बताया है, एट विच योर ऑक्सीजन डिफिसिट वैल्यू इज क्रिटिकल वैल्यू, एट विच योर ऑक्सीजन वैल्यू इज योर क्रिटिकल वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई है, टीसी इज इक्वल टू वन अपॉन के डी इंटू एफ माइनस वन लॉग टेन एफ इंटू वन माइनस एफ माइनस वन इंटू के डी इंटू डी नॉट बाय एल के बराबर। अभी आ गया ये बात समझ में सब लोगों को, बोलो हाँ या ना, मजा आ गया, मजा तो आना ही था, जब बातें समझ में आने लग जाती तब मजा आता है, बाकी सब तो छिलके हैं, मतलब जो भाग गए, समझ रहे हो, समझ में आ गया, यही तो बात है। तो ये क्रिटिकल टाइम टीसी आ गए, ठीक है, ठीक है, सबको आ गया समझ में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपके पास ये टाइम टीसी आ गया है तो इस टाइम टीसी को यहां से उठाओ, इस टाइम टीसी को यहां से उठाना, इस टाइम टीसी जिसको ना पूरा डिफरेंशिएशन जानना है वो मेरे को एक बार बताना, तो मैं पूरा डिफरेंशिएट करके बता दूंगा आपकी स्पेशल क्लास में, ऐसा कोई यूज नहीं है उसका, बट फिर भी जिनको आर्यभट्ट या कुछ मतलब ठीक है, टीसी का वैल्यू यहां से उठाओ और टीसी का वैल्यू उठा के क्या कर दो, इस वैल्यू में पुट कर दो, टीसी का वैल्यू उठाओ और यहां पे पुट कर दो, टी की जगह सब जगह टीसी 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 पुट कर दो। जब आप टी की जगह टीसी पुट कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा ये टाइम किसकी बात कर रहा है, टीसी की बात कर रहा है, क्रिटिकल ऑक्सीजन डिफिसिट की बात कर रहा है। और अगर इसने टाइम टीसी पुट कर दिया सब जगह तो ये डीटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी से लिखो, डीटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब टाइम टीसी पे बात हो रही होगी तो डीटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अब आपको बताना है, आपको बताना है कि जिस टाइम पे टी की वैल्यू टीसी हो गई है उस टाइम पे डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डीसी हो जाएगी। बहुत उम्दा,
हाँ बस गेट में हो जाए उतना ही सही है। तो उस टाइम पे डी की वैल्यू डीसी हो जाएगी, मैक्सिमम ऑक्सीजन डिफिसिट वैल्यू। और मैंने लगा ये वैल्यू की जो इक्वेशन हो जाएगी वो आपको डिराइव करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए एक और फॉर्मूला लिखा, इट इज इक्वल टू के डी बाय के आर मल्टीप्लाइड बाय एल 10^-kd इंटू टीसी। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन, ठीक है, ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन। तो डीसी अगर आपसे आज के बाद कोई भी क्रिटिकल ऑक्सीजन डेफिसिट वैल्यू की बात करेगा तो ये रही। एफ के टर्म्स में याद करना चाहते हो तो एफ के टर्म्स में इट इज एल बाय एफ इंटू 10^-kd इंटू टीसी। ये लो, और भी छोटे फॉर्म में लिखा हुआ है, ये और भी छोटे फॉर्म में लिखा हुआ है, बस याद करने के तरीके हैं अपने अपने। तो एल बाय एफ 10^-kd इंटू टीसी के बराबर, एल बाय एफ इंटू 10^-kd इंटू टीसी के बराबर। समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया, डीसी हो जाएगी। चलिए आगे, एक और बात बता देता हूं, आज की आखिरी बात बता देता हूं। मैं चाहता था क्वेश्चन करवाऊं बट अब कल सुबह 3 बजे। अच्छा, आप में से जितने भी लोग ऐसे हैं जिन लोगों को लगता है कि आपने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ लिया है, आज मेरे साथ रात में 9:30 बजे आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ये क्वेश्चंस बहुत ही गजब तरीके से फ्रेम करे हुए क्वेश्चंस हैं जो आप कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज में देखोगे। आप लोगों ने जिन्होंने भी टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट नहीं किया है, मैं चाहता हूं कि उनको एक टेस्ट दिया जाए टेस्ट सीरीज का, ताकि उनको ऐसा फील हो कि अभी वो प्रिपेयर नहीं हुए, अभी पक्के ना एकदम पके नहीं है, अभी आप कच्चे मटके हो, तो आपको ना पकाने की जरूरत है। तो अब जब पकाने की जरूरत है ना, तो मैं आपको एक टेस्ट देना चाहता हूं कि किस लेवल का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 9:30 बजे मिलना मेरे से, ऑलमोस्ट 20 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आपको बहुत अच्छा फील होगा कि हाँ सर कुछ हट के बात करी आपने, कोई PYQ नहीं, कोई PYQ की बात नहीं करेंगे। PYQ कब तक रटते रहोगे, आंसर रट गए होंगे अभी तक, तो इतनी बार PYQ कर लिया होगा, कोई PYQ नहीं। एक आध क्वेश्चन मिल सकता है, वो भी बहुत ही रैंडम है कि मिल जाए, एल्स कुछ भी नहीं। ठीक है, 10 बजे नहीं है, 9:30 बजे, 10 बजे नहीं है, 9:30 बजे क्लास है, 9:30 बजे क्लास है, 9:30 से whatever time it will take। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग टॉपिक नहीं है, फुल। सर प्लस पे IAS के कोचिंग है क्या? बिल्कुल है। कैसी बात कर रहे हो, गेट प्लस ESE कराते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो और बात करते हैं, तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे क्या बात कर रहा हूं मैं आपसे। डीसी की वैल्यू पता चल गई है, हाँ सर। डीटी की वैल्यू पता चल गई है, एनी टाइम टी, हाँ सर। मैंने बोला टीसी की वैल्यू पता चल गई है, हाँ सर। मैंने इनको रिलेट करना सीखते हैं, तो अगर आपको टीसी की वैल्यू पता चल गई है, और टीसी की वैल्यू ऐसी कुछ होती है अगर, तो मैं चाहता हूं कि टीसी की वैल्यू की जगह कुछ और पुट करके देखें, तो मैंने बोला देखो जरा यहां पे इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, जब मैं इसको रिलेट करना चाहता हूं तो फाइनल रिलेशन दिखा रहा हूं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कल आपको और भी बहुत गजब गजब की चीजें सिखाऊंगा। मैंने आपको बोल दिया है कि हर बार आप अगर मेरे को फॉलो करने वाले हैं आने वाले 124 दिन, तो रोज सुबह 10 से 12 के बीच में आपको स्केड्यूल मिल जाएगा, जो टेलीग्राम चैनल में आपको बताया UA प्रतीक सर, इस पे आ जाता है आपका स्केड्यूल, आ जाएगा पूरा दिन, उसके हिसाब से प्लान कर लो कि आप मेरे साथ ये 124 दिन कैसे बिताने वाले हो, और धमाल मचा देंगे। एक दिन काउंट कराएंगे, समझ रहे हो ना, रूह कांप जाएगी अंत तक आते आते, लेकिन जिन्होंने फॉलो किया मजा आ जाएगा, आई एम टेलिंग यू मजा आ जाएगा। ठीक है, क्या गजब इग्नोर मार रहा, क्या बात कर रहा है मेरे भाई, मैं अभी समझ रहा है कि कितना देर में क्लास ले रहा हूं, अभी तो आया हूं वापस, फ्लो में तो आने दे। ठीक है, ठीक है, आज नहीं अपलोड हुआ है, जाके देख, मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, स्वयं अपने हाथों से मैंने लिख के डाला था। ठीक है, स्वयं मैंने अपने हाथों से लिख के डाला था।
हाँ अब पिछली बार पढ़ा था, अभी रिवाइज नहीं किया है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं तो कंसेप्ट के साथ कराने वाला हूँ ना, मैं तो कंसेप्ट के साथ कराने वाला हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आना अटेंड करना, अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है? आना अटेंड करना, सॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए आइए, क्या बात कर रहे थे हम लोग? तो मैंने बोला आपने ये देखा कि टीसी की कोई भी बात कर रहा था, तो मैंने देखा आपने ये देखा कि कोई भी अगर टीसी की बात कर रहा था तो टीसी इज इक्वल टू वन अपॉन केडी इंटू एफ माइनस वन लॉग टू द बेस टेन, लॉग टू द बेस टेन एफ इंटू वन माइनस एफ माइनस वन मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी वन माइनस एफ माइनस वन इंटू डी नॉट बाय एल के बराबर। यह है आपका फॉर्मूला टीसी के लिए। मैंने बोला आपसे पूछा कि डीसी का फॉर्मूला बताइए, तो डीसी के लिए आपने बोला इट इज एल बाय एफ इंटू टेन टू द पावर माइनस के डी इंटू टीसी के बराबर। सही बात है, सही है सर। मैंने यहां से देखो जरा, इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? डीसी इंटू एफ अपॉन में एल 10 टू दी पावर माइनस के डी इंटू टीसी के बराबर, ऐसा लिख सकते हो? इस इक्वेशन को बोल रहा हूँ, इस इक्वेशन को बोल रहा हूँ, ध्यान से देखते जाना है ना, कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो मेरे को बताना। ऐसे लिख सकते हैं सर, मैंने ऐसा लिख सकते हैं, तो मैंने दोनों साइड लॉग ले लो, तो फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो लॉग टू द बेस 10 मल्टीप्लाइड बाई डी सी इंटू एफ डिवाइडेड बाय एल इज इक्वल टू माइनस के डी इंटू टीसी के बराबर, माइनस के डी इंटू टीसी के बराबर, ऐसा लिख सकते हो? क्या चाहता था मैं? एक सेकंड रुको, इसको ये तो ठीक है, टीसी को ऐसे लिख सकते हैं। मैं कुछ और बताना चाह रहा था, क्या बताना चाह रहा था? इस इक्वेशन के लिए एल बाय डी सी टी सी इज इक्वल टू, एक सेकंड दो मेरे को, टी सी इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 चलिए बताऊंगा मैं इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में। एक लास्ट फॉर्म है वो देखना चाहता हूं मैं, एक लास्ट फॉर्म है वो मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है? डेराइव करके मेरे को देखना पड़ेगा, मेरे को लग रहा है कि मेरे पास जो लिखा हुआ है वो प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है, तो मेरे को एक लास्ट फॉर्म देखना पड़ेगा, ठीक है? एफ वन माइनस एफ एफ लॉग टू द बेस 10 एल डी सी एफ, ठीक है छोड़ो, ठीक है? तो ठीक है, यहां तक की पूरी बात समझ में आई है कि नहीं आई है ये बताइए। तो कल हम लोग शायद, हो सकता है यहां पे तो YouTube पे तो थ्योरी देख रहे होंगे जो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब आपको यहां तक की बात पूरी समझ में आई भी है, कि ये DT क्या है, DC क्या है, ऑक्सीजन डिफिसिट कर्व क्या है, और क्या, तो प्रॉपर हम लोगों ने ग्राफ भी सीखा है, तो मैं चाहता हूं कि कल का क्लास मिस मत करना। जो कल का क्लास होगा वो दोपहर 3 बजे होगा, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को, जो हम लोग कल क्वेश्चन कर रहे होंगे इस पे बेस्ड क्वेश्चन को। तो यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा टफ लगते हैं आप लोगों को, तो मैं चाहता हूं कि हर एक पेड स्टूडेंट के सामने ना एकदम जोर से जाके खड़े हो जाना करके कि आज बात करेंगे ऑक्सीजन डेफिसिट की, ठीक है? आज बात करेंगे ऑक्सीजन डेफिसिट की और सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर बताना कि कहां से सीख के हो, ठीक है? ठीक, डीसी को एक तरफ कर लेते, देखेंगे, मैं बता दूंगा उसको, उसके लिए परेशान मत हो, उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है? डिस्टेंस एट विच क्रिटिकल फ्लो ऑकर्स, वही बात करूंगा कल, जो बात करूंगा क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा उसको, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगा डिस्टेंस एट विच क्रिटिकल फ्लो ऑकर्स, समझ रहे हो संकेत? ठीक है, ठीक है। तो आई होप सारी बात समझ में आई होगी। तो कल मिलते हैं आप लोगों से, अभी रात में मिलेंगे 9:30 बजे, और उसके बाद फिर कल मिलेंगे दिन में 3 बजे, और कल आपको 12 बजे के पहले मिल जाएगा आपका कल का पूरा दिन का शेड्यूल। तो मेरे साथ बिताओ अपना समय, बचे हुए 124 दिन, और धूम मचा दो, ठीक है? तो आई होप सब लोगों ने एंजॉय किया होगा। जल्दी से मेरे को एक बार बता दो कि सब लोगों ने एंजॉय किया आज की क्लास को,
यस और नो? हैज एवरीबॉडी एंजॉयड टुडेज क्लास? जल्दी से बताएंगे, कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ हैवी सीखने को मिला है जो बाकी लोगों से भारी आपको आपको बाहर कर देगा, बाकी लोगों से भीड़ से अलग करेगा? यस, ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा। तो ठीक है गाइस, बहुत ही ज्यादा एंजॉय किया। ठीक है, तो आज की क्लास को यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। मिलता हूँ आप लोगों से 9:30 बजे ट्रांसपोर्टेशन के साथ, कुछ बहुत ही गजब की बातों के साथ। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, लव यू ऑल।